संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए की गई स्थगित। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिया था नोटिस। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा, हर ओर की गई बैरिकेडिंग, सड़कों पर लगाई गई कीलें, किसान संगठनों ने ऐसी स्थिति पर जताई चिंता। सिंघू गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट बैन के खिलाफ देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान। 6 फरवरी को 3 घंटे तक हाईवे पर किसान करेंगे प्रदर्शन। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने लगा रखी है इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी। दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी इसकी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को दाखिल की गई हैं 2 याचिकाएं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का अनोखा तंज, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर कसा तंज। कहा, रावण की लंका, सीता जी के नेपाल से महंगा, श्रीराम के भारत में पेट्रोल। बजट पर शिवसेना ने सामना के जरिए केंद्र सरकार से पूछा सवाल। कहा, बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति कर रहा है केंद्र, क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज, जल्द हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा। सम्राट चौधरी, नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई चेहरे मंत्री की रेस में शामिल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की नई गाइडलाइन, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को नहीं मिलेगा टिकट। पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए गए निर्णय। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक धर्म रेड्डी का विवादित बयान, वारंगल में एक बैठक को संबोधित करते हुए दिया बयान। कहा, पिछड़ी जाति के अधिकारियों ने राज्य को खराब किया। NTA मई में आयोजित करेगी UGC नेट 2021 की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी जानकारी। UGC नेट परीक्षा 2021 की तारीखों का किया ऐलान। म्यांमार में तख्तापलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष नेताओं को सोमवार को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने की आलोचना। भारतीय मूल की भव्यालाल US स्पेस एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख बनी। भव्यालाल को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं। अमेरिका के 20 राज्यों में भारी बर्फबारी। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में ओरलेना तूफान के कारण इमरजेंसी लागू। इस बर्फबारी से 24 घंटे में 2 फीट तक बर्फ गिरी, कई सड़कें जाम और 10 करोड़ लोग हुए प्रभावित। इसराइल के PM ने की मोदी से बातचीत। नेतन्याहू ने अपनी एम्बेसी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शुक्रिया कहा। 29 जनवरी को नई दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ था धमाका। भारत सरकार ने धमाके के बाद इजरायली एम्बेसी के आसपास बढ़ाई थी सुरक्षा। अमेरिकन कंपनी SpaceX इस साल के आखिर तक लॉन्च करेगा दुनिया का पहला पूरी तरह नागरिक अंतरिक्ष मिशन। ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन होगा। इस मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4 रखा गया है। लगातार दूसरे दिन भी सोना सस्ता, चांदी भी 17 रुपए सस्ती। कल सोना 700 रुपए तक गिरकर बंद हुआ। आज भी सोने में गिरावट जारी। चांदी कल 6% तक हुई थी मजबूत, आज चांदी में 2.5% तक की गिरावट। बजट 2021 के मुताबिक महंगी नहीं होगी शराब, सेस बढ़ा तो कस्टम ड्यूटी घटी। बजट में लगाया गया अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% सेस। Tiger 3 के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करेंगे सलमान। अपनी फिल्म अंतिम की शूटिंग को खत्म करने के बाद फिल्म टाइगर की शूटिंग करने के लिए जाएंगे दुबई। राखी सावंत पर लगा फेक शादी का आरोप, तब भाई ने सामने आकर किया बड़ा खुलासा। भाई राकेश ने कहा कि राखी की सच में शादी हुई, नहीं कर रही कोई नाटक। और इंडिया और इंग्लैंड मैच के लिए चेन्नई में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया। मुख्य कोच रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों में भरा जोश। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम मंगलवार को सुबह 10 बजे नेट सत्र में हिस्सा लेने के लिए उतरी।